something special, something very new, and after such a long time, Alaina, after how many years? 2 years. 1, 2, pata? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Momo is going to shoot. Alaina? Dancey, dancey. गोकुरी बीच में आ गया. सो कपल ऑफ थिंग्स दैट आई डू शूट पे जाने से पहले विच आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू. फर्स्ट थिंग इज सेइंग गुड बाय टू अलाइना. टाटा. मम्मा को किसी मम्मा को हगी. ओ मेरा बच्चा. और मेरी नाइट शूट है तो अभी अलाइना को हम लोग नीचे पार्क में खेलने के लिए भेज रहे हैं बिल्डिंग में. तो अलाइना नीचे जाएगी और फिर सुमड़ी में मैं शूट के लिए निकलूंगी. अलाइना टाटा. टाटा. लव यू. First step, 2 saal ke baad I'm going for the shoot today. So first step is, thankfully aaj bahut hi kam scenes hai, so I will not be gone for a long time. Alaina niche gayi hai, so she's happy, she's playing and Goki, aaja. So I'm gonna get ready for my shoot. So couple of things जो जो मैं shoot से पहले करती हूँ और shoot पे जाके क्या क्या करती हूँ, stay tuned for that. Let's and yeah, stay tuned to know कि मैं कौन सी shoot पे जा रही हूँ, guys. I am excited. I hope you are excited too. So let's go. Okay. So another important aspect is कि मैं set का खाना नहीं खाती हूँ. मैं सारा घर से खाना लेकर जाती हूँ. So मेरा क्योंकि अभी evening snacks हो चुका है मेरा. अब dinner time है. उसके बाद जब मैं set पर पहुँचूँगी तब मुझे dinner खाना होगा. तो मैं अपना dinner pack करके हमेशा साथ में लेके जाती हूँ. काफी you know मेरे colleagues, actor friends मेरा मजाक उड़ाते हैं that you know मैं सारी चीजें घर से लेके आती हूँ, but it is a habit. I don't know good habit or bad habit. For me it's good, maybe for someone else it is not. So yeah, अच्छा मैं क्या क्या pack कर रही हूँ वो भी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ. This is my dinner these days, guys. जिसमें है इधर लिखा हुआ होगा actually मेरा dinner. So this is my dinner. 125 grams sweet potato, 100 grams broccoli, 75 grams paneer, 5 grams ghee. इसको सॉटे करके क्रिस्प करके एयर फ्रायर के अंदर यहाँ पर मस्त हम बना लेते हैं. ये है मेरा साथ में क्यूकुम्बर रफेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, सम ग्रीक योगर्ट एंड दिस इज माय इवनिंग स्नैक. अभी मुझे खाने हैं 3 बॉइल्ड एग्स आई स्टिल हैव टू हैव. सो ये मेरा डिनर यहाँ पर हो गया है रेडी. सो टिफिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी क्योंकि बिना टिफिन के मैं फंक्शन नहीं कर सकती एंड ईटिंग राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अलाइना को टाटा हो गया, मेरा टिफिन हो गया, नेक्स्ट थिंग इज आई हैव टू गेट रेडी और मेरा मेकअप पाउच. सो नाउ वी आर कमिंग टू मेकअप पाउच. बड़े दिनों बाद बड़ा ही ताज़ा सा मेरा मेकअप पाउच निकला एंड वेट फॉर इट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाउच इज हियर. माई फेवरेट कुमकुम भाग्य पाउच, सीक्रेट सैंटा वाला पाउच हमारा. ये दोनों हो गए हैं. एम आई फॉरगेटिंग एनीथिंग? माई टेल कोम फॉर माई हेयर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि टेल कोम जनरली नहीं तो हेयर दीदी बाकी लोगों के साथ शेयर हो जाता है. सो यस माई ओन टेल कोम, ये भी हो गया. सो आई एम गोना पुट दिस इन माई बैग पैक. वॉलेट, ड्राइविंग लाइसेंस, ऑल द कार्ड, ये भी हो गया. आई थिंक आज पहला दिन है सो आई जस्ट फिगर आउट. इतना काफ़ी है और क्या मैं कुछ भूल रही हूँ इतने टाइम बाद मैं जा रही हूँ ना लाइक. अच्छा सो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है, मैं वो भी बता दूँ कि जो कॉस्ट्यूम होता है, जो कपड़े पहनते हैं हम लोग शो में, वो हमें शो वाले देते हैं और ज़्यादातर जो फुटवेयर होते हैं उसके साथ में वो भी वही देते हैं. तो मुझे चप्पल और कॉस्ट्यूम नहीं पहनना है. नाउ आई जस्ट हैव टू गेट रेडी एंड वी हैव टू लीव फॉर आर शूट. बट वॉट शूट, विच शूट, स्टे ट्यून्ड. नेक्स्ट स्टेप इज सेइंग गुड बाय टू करण. मुझे आते आते 12 बज जाएगा. अलाइना तब तक भी जागी रहती है. सो अरे द नेक्स्ट थिंग इज कि कहाँ शूट हो रही है. सो वी आर गोइंग टू फिल्म सिटी गाइज. मुंबई में एक फिल्म सिटी करके जगह है
जहाँ पर काफी शूट होती है. सो आज मेरा शूट वहां पर है. कौन सा शूट है उसके लिए स्टिल स्टे ट्यून्ड. कहानी में आएगा आगे ट्विस्ट एंड आई एम श्योर यू गोइंग टू लाइक इट. बट फिलहाल हम है मुंबई के टिपिकल ट्रैफिक में. आप देख लो हाल क्या है इस वक्त यहाँ पर. बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है. बाबा रे बाबा जोमैटो भैया हो गया हमारा ग्रीन हो गया. ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है जनरली इस टाइम पर. बट द गुड थिंग इज कि मुझे एटलीस्ट ये उम्मीद है कि वापसी में आते वक्त, क्योंकि मेरा काम खत्म होगा रात को 11 बजे के करीब, वापसी में मुझे ट्रैफिक नहीं मिलेगा. सो टू रूट्स फॉर दैट. बाकी मेरे घर से फिल्म सिटी का रास्ता एक्चुअली में सिर्फ 30 मिनट का भी नहीं है. तो आज हमारा ETA थोड़ा लंबा बता रहा है, लेकिन कोई बात नहीं. कहते हैं अच्छी चीज़ों के लिए हमेशा आपको इंतजार करना पड़ता है. वी आर ऑल्सो वेटिंग ईगरली वेटिंग टू गो ऑन शूट. After 2 years, Alaina से 1, 2, 3, 1, 2, 1 तो खा जाती है, 2, 3, 2, 3 पे आ जाती है वो सीधा. जैसे कि आप देख रहे हैं मुंबई हर जगह खुदा हुआ है. ये तो एक्चुअली में नॉर्मली भी केस है ही है, लेकिन मेट्रो की वजह से अभी ज्यादा यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, विच आई एम होपिंग कि 2-3 साल में अच्छा हो जाएगा. और एक बार मेट्रो बन गई तो बस ये गाड़ी घर पे खड़ी रहेगी, क्योंकि मैं तो मेट्रो ही लेने वाली हूँ. आई एम नॉट गोना टेक दिस कार आउट एनीवेयर until less हम किसी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं और समथिंग लाइक दैट. बट आई थिंक इंटरनली तो भैया मेट्रो कमाल कर देगी. और मैं पहले भी एक्चुअली बहुत मेट्रो लेती थी शूट पे जाने के लिए. व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर कुमकुम भाग्य, तब भी मैं अपने घर से मेट्रो लेकर 30 मिनट्स में सेट पे पहुंच जाती थी. और कभी कभी मेरे साथ वाले जो एक्टर होते थे वो 2-2 घंटा गाड़ी में बैठे रहते थे और आते थे. ओ माई गॉड, आई कॉन्ट इवन बिलीव इट. एंड आई एम लाइक आई कैन बिलीव इट बिकॉज आई सीन इट, बट आई कॉन्ट इमेजिन माई सेल्फ इन देयर पोजिशन. बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा. हम चले अभी शूट रास्ते में. इट्स एक्चुअली वेरी डिफरेंट फीलिंग, यू नो, इतने टाइम बाद 2 साल बाद मैं ऐसे शूट पे जा रही हूँ. अच्छा भी लग रहा है और ऐसे बटरफ्लाइज भी हो रही हैं. मतलब मुझे अभी भी नर्वसनेस लगती है ऐसे किसी नए रोल को लेकर या यू नो नई शूट पे जाते हुए. आई डोंट नो इफ इट्स गुड और इट्स बैड, बट आई स्टिल फील कि मुझे अभी भी कितना और सीखना है, कितना और करना है. सो वी हैव एंटर्ड फिल्म सिटी. यहाँ पर सब राइट साइड लेफ्ट साइड सब जगह सेट्स ही सेट्स बने हुए हैं, टीवी शोज के, फिल्म्स के, OTT यानी वेब सीरीज के अलग अलग सेट्स बने हुए हैं. अब काफी अंधेरा है सो मैं आपको इतना डिटेल में तो नहीं दिखा सकती. बट व्हाट आई कैन शो यू इज जहाँ हम लोग शूट करने वाले हैं वहाँ का मैं आप लोग को सेटअप वगैरह दिखा सकती हूँ. एंड वी आर शूटिंग नियर द ऑफिस एरिया. ऑफिस एरिया मतलब ऐसे ऑफिस ऑफिस नहीं है, मार्केट एरिया. तो वहाँ पर हम लोगों का आउटडोर सीन है. किसका सीन है? स्टेडियम. Welcome to our vanity. This is what a vanity van is. So, ये है मेरा आज का सीन जो कि मुझे पढ़ना है, याद करना है. ओ माई गॉड, सीन है कि सीन्स हैं. ओके, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा. और वैनिटी में ऐसा होता है ये कि ये रूम टाइप का होता है जहाँ रेडी होते हैं. And this is your bathroom. And this is my makeup room. यहाँ पर हम मेकअप करके रेडी होंगे. हाँ, I think time to get ready, guys. इधर से ये जो ऐसे करके आ रहा है ना, ये फैल रहा है. हाँ, ये जो फैल रहा है ना, इसको कट करके इसको इधर स्लीक करना है, फिर ऐसे आएगा. यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक करने का, उसके ऊपर नहीं. ठीक है, पैंट एकदम मस्त है, एकदम फर्स्ट क्लास है. बाकी मैं आपको ये दे देती हूँ. ड्रेस ट्रायल्स. तो ये है अर्शद दादा. नाउ इट्स टाइम फॉर मेकअप बिफोर और बहुत जल्दी आप देखेंगे आफ्टर. ओह माय गॉड, आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. Done. Hair चल रहा है.